थैंक यू माय हमारे टीम के साथी मुंबई में निखिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। पुनीत जी, इस टाइटल सॉन्ग को नमस्कार। सुन नमस्कार इस टाइटल सॉन्ग को सुनने के बाद मुझे नहीं लगता कि देश में जो भी सनातनी होगा उसके तन बदन के अंदर बिजली नहीं कौंधेगी। और इस टाइटल सॉन्ग के नीचे मैंने दो लाइनें और पढ़ी हैं और मैं अपने तमाम व्यूअर की वजह से उसको रिपीट करना चाहता हूं। संहार फिल्म के पीछे देश के अंदर पाल घर के अंदर खुलेआम संतों की पीट पीट कर हत्या, बंगाल में जय श्री राम के नारे पे बोलने पे हत्या, राष्ट्र की बात करना, सनातन की बात करना, इस देश के अंदर लोगों को कुछ को ऐसा लगता है कि ये देश इनटॉलरेंट हो रहा है। मैं ये मानता रहा हूं कि पिछले कई सौ सालों से और खास तौर से आजादी के बाद भारत राष्ट्र को भारत की सत्ता पे बैठने वाले लोगों ने सुनियोजित तरीके से कमजोर किया, इसकी आस्थाओं को चोट पहुंचाई, इसके सरोकारों पे चोट पहुंचाई, मान्यताएं परंपराओं को चोट पहुंचाई। और शायद ये 2020 का भारत इसलिए इनटॉलरेंट है, और ये इनटॉलरेंट है तो होना चाहिए इसलिए कि अब भारत उन तमाम शक्तियों के खिलाफ इनटॉलरेंट है जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, राष्ट्र को समाप्त करना चाहते हैं, इसकी संस्कृति का मजाक उड़ाना चाहते हैं। ऐसी पृष्ठभूमि के इस पस मंजर में देश का जाना माना चेहरा, पूरा परिवार, पुनीत जी के पिताजी भी बहुत बड़े फिल्मों के डायरेक्टर थे, पुनीत जी ने डायरेक्शन भी किया, लेखन भी किया, एक्टिंग भी की अनगिनत फिल्में, लेकिन आज मैं पुनीत जी का वो रूप देख रहा हूं जो एक आम भारतीय, एक कमजोर भारतीय, वो ये सोचता है कि क्या हमारे देश में करोड़ों करोड़ों की बजट की फिल्में बनती हैं, इस देश की संस्कृति, इस देश के सनातन हिंदुओं के देवी देवताओं का खुलेआम मजाक उड़ता है, कोई उनकी नंगी पेंटिंग बनाता है, कोई उनको टॉयलेट में भगाता है, कोई मंदिरों में पुजारी के उस कपड़ों में रेपिस दिखाता है, कोई पुजारी को माफिया बनाता है, इस गेरुए वस्त्र जो कि हमारा शौर्य का प्रतीक है, उस प्रतीक का जिस तरीके से चित्रण इस देश के बॉलीवुड ने किया है, इन तमाम चीजों के प्रति लोगों में बहुत आक्रोश था। और मैं खुश हूं इस बात से, और खुश भी हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं, बाबुलंद होकर देना चाहता हूं कि पुनीत सर साहब ने उस नैरेटिव को तोड़ा, और जहां पैसे कमाने की होड़ लगी हो वहां उन्होंने एक ऐसी सत्य घटना पे जिसके प्रति देश में बहुत आक्रोश है और देश अपने आप को बेबस समझता है कि उनकी इस बात को कहने के लिए, दिखाने के लिए इस देश में कोई बाहर नहीं आया, पुनीत जी ने ये पहल की। इस गाने के शब्दों से समझ गए होंगे लोग कि पुनीत जी क्या कहना चाहते हैं। और इसी टाइटल सॉन्ग के नीचे जहां संघार द मैसेकर लिखा हुआ है, वहां लिखा है भगवा शौर्य का स्वरूप है और गो मां हमारी, गौ हमारी मां का रूप है। आप समझ सकते जी हैं कि पुनीत जी ने ये फिल्म क्यों बनाई है, कैसे बनाई है। मैं उनका स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं, और अपील करता हूं, देश में हजारों यूट्यूब चैनल हैं, लोगों के 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख सब्सक्राइबर हैं, ये सिर्फ फिल्म नहीं है, ये देश भर में एक आंदोलन है, ये पुनर्जागरण का समय है। ऐसे योद्धा निकले, उन योद्धाओं का मनोबल बढ़ाइए, उनको मॉरल सपोर्ट कीजिए ताकि वो इस देश की छुपी हुई संस्कृति को देश के सामने लाएं। एक बार फिर पुनीत जी का मैं स्वागत करता हूं, और मेरा पहला सवाल पुनीत जी से यह है कि पुनीत जी, मैं आपका जितना लंबा कैरियर देखता हूं, मुझे लगता है कि इतना सफल कैरियर, आपने फिल्मों में काम किया, आपने थिएटर में काम किया, और आपने कई धारावाहिक बनाए जो इस देश के राष्ट्रीय चैनलों पर चले, चाहे वो हिंदुस्तान हो, हिंदुस्तानी हो, चाहे जय माता दी हो,
और कई हिट फिल्में आपने दी। 2015 में आपने रावण की रामायण बनाई, 2018 में आपने महाभारत एंड एपिक टेल ये भी बनाया, और इन तमाम चीजों के बाद 2020 का भारत जब किसी तरफ देख रहा था कि कोई उसके लिए उसकी पीड़ा को कोई दिखा सकता है, तब आप आए। मेरा आपसे सिर्फ इतना ही सवाल है कि पुनीत जी, आपने पर्दे पे जो करैक्टर जिया है और जो अपनी यथार्थ की जिंदगी में जिया है, उसमें कोई फर्क नहीं लगता। इसलिए मैं नहीं मानता कि आपने एक्टिंग की है। आपने पिछले 30 सालों में अपने अंदर की छुपी हुई जो असल आपके अंदर चीजें थी वो दिखाई है, उसे लोग एक्टिंग कहते हैं। मैं कहता हूं ये एक्टिंग नहीं है, यही ओरिजिनल पुनीत इसर है। इस फिल्म के बनाने के पीछे, इस फिल्म के बारे में आपने क्या क्या किया, कैसे किया, कैसे आपको ध्यान आया, क्या क्या आप तकलीफों से गुजरे, किन किन लोगों की आपने मदद ली, और क्या आपका इस फिल्म को लेकर के कोई एक सपना है, वो कैसे जमीन पे उतरे, और हम तमाम सारे लोग जो करोड़ों लोग आपको सुन रहे देख रहे हैं, वो कैसे इस सपने को आगे तक पहुंचाएं, ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपकी जबानी सुनना चाहता हूं। पुष्पेंद्र जी, ये क्या हुआ, जब 16 अप्रैल को इस कोविड लॉकडाउन के पीरियड, जब वो नृशंस हत्या हुई उन दोनों महान संतों की, ये महाराष्ट्र के पालघर जिले में, तो वो जो भयावह, जो दर्दनाक दृश्य हमने टीवी पर देखा, तो मन बहुत ही विचलित और बहुत ही परेशान था कि ये क्या हो रहा है। जिस तरह 100-200 लोगों ने मिलकर उस दो संतों का नरसंहार किया, और कानून के रखवाले रक्षक से भक्षक बनकर, मूक दर्शक बनकर केवल वो दृश्य देख रहे थे, उन्होंने कोई मदद नहीं की। पुष्पेंद्र जी, अगर वे चाहते तो वे अपनी रिवॉल्वर निकालकर हवा में भी फायर कर देते तो शायद उन संतों की जान बच सकती थी, मगर उन्होंने नहीं किया, उल्टे उन्हें मरने के लिए धक्का दिया। और वे बेचारे दो संत, उनका ड्राइवर, चिल्लाते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी, और वे आखिरकार वीर गति को प्राप्त हो गए। तो मन बहुत ही विचलित था, द्रवित था। तो मेरा बेटा है सिद्धांत इसर, वो एक दिन मेरे पास में आया कि डैड, मैंने कुछ सोचा है, आई हैव थॉट ऑफ अ नाइस सब्जेक्ट, बोला बताओ भाई क्या है। तो उन्होंने मुझे वो सब्जेक्ट सुनाया, इट्स अ मॉडर्न फिल्म, प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म है, और वो जो है वो पालघर के उस हादसे से प्रेरित है। हमारी जो फिल्म है उस हादसे पर आधारित नहीं है, वी आर इंस्पायर्ड बाय दैट इंसिडेंट। तो सिद्धांत ने जब मुझे वो हादसा सुनाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा बेटा कि तुम्हारी, मतलब वो एक 27 साल का युवा है, मैंने कहा कि कहां इस उम्र में लोग बहुत कुछ दूसरी चीजें करते हैं, एंड यू वांट टू मेक अ फिल्म ऑन दैट सब्जेक्ट, ऑन दिस सब्जेक्ट, तो मैं तुम्हारे साहस को दाद देता हूं, बिकॉज यहां पर आवाज उठाने तो दूर, लोग बात तक नहीं करना चाहते। हमारे यहां पे प्रचलन है कि जरा सी बात पर लोग विशेष टिप्पणियां कसेंगे, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर कमेंट लिखेंगे कि ये गलत हो रहा है, वो सही नहीं हो रहा, कैंडल मार्च होगा, लेकिन उन दो संतों की हत्या पर सबने चुप्पी साधी। तो मैं कहा मेरे बेटे, तुम सिद्धांत, अगर आप ये फिल्म बनाना चाहते हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, आई विल प्रोड्यूस दिस फिल्म फॉर यू, और मैं तुम्हारे साहस को प्रणाम करता हूं। इस तरह पुष्पेंद्र जी, हमने वो फिल्म का, हमने उसने कहानी, हमने काम किया, वो पूरी स्क्रिप्ट बनी, तैयार हुई, उसको कहानी को लिखा। फिर होता क्या जी, फिल्म बनाने के लिए आपको ना यू नीड मनी, तो सबसे पहले तो मैं आ गया कि जी मैं आई विल इन्वेस्ट इन दिस फिल्म। फिर हमारे साथ, मैं उनका जरूर नाम लेना चाहूंगा, हमारे जो इनिशियल प्रोड्यूसर जो हमारे साथ आए, कहे कि पुनीत जी हम इस कार्य में आपके साथ हैं, ये महान कार्य है, ये राष्ट्र का काम है। एक है मिस्टर राम कुमार पाल साहब, वो जुड़े। फिर एक पीयूष गहलोत है, एक मोहित गहलोत है, ये तीन जनों ने मेरा समर्थन किया। हम चारों ने मिलकर इस फिल्म को, इसका निर्माण किया, और सिद्धांत ने इसको लिखा है, और फिर उसने इसका निर्देशन भी किया है। इस फिल्म के अंदर मैं और सिद्धांत सर एक मुख्य भूमिका निभा रहे हैं, आई प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म। आप मुझे एक संत की भूमिका में ये देखेंगे, बहुत ही ज्वलंत, एकदम जो सनातन धर्म है क्या,
लोगों को बताएगा कि वास्तविकता में हमारा धर्म है क्या, सनातन का क्या अर्थ है, धर्म का क्या अर्थ है, ये हमने बताने की कोशिश की है। क्या है पुष्पेंद्र जी, मैं अपने श्रोताओं से, आपके दर्शकों से, भारतवासियों से एक बात कहना चाहता हूं कि मेरा ये अटूट अटल विश्वास है, मेरा ये मानना है कि टू बी अ प्रो हिंदू डजंट मीन आई एम एंटी अदर रिलीजन, और यही सत्य सनातन धर्म सिखाता है। सनातन का अर्थ लोगों को पता ही नहीं है कि जो आदि काल से चला आ रहा है वही सनातन है। और धर्म क्या है? धर्म वो है जिसे धारण किया जाए, धार्यति इति धर्म, जिसे धारण किया जाए वही धर्म है। और ये धर्म कोई बाहर की वस्तु नहीं है, ये धर्म तो मनुष्य अपने अंदर के उदार भाव से उसे स्वीकार करता है। तो ये सारी चीजों को लेकिन मैंने कहा कि फिल्म बनाएंगे। और बेसिक जो मुद्दा हम बताना चाहते हैं कि ये जो संत समाज है, ये जो यति हैं, तपस्वी हैं, वैरागी हैं, ये केवल अपने मोक्ष की प्राप्ति में नहीं लगे रहते। ये तो जब जब धरती पर कोई आपदा, विपत्ति, कोई प्रॉब्लम आती है तो ये हमेशा सबसे आगे आकर लोगों का मार्गदर्शन करते हैं, अंधकार से लोगों को बाहर निकालते हैं, आलोक बांटते हैं। तो ये जो, और ये आज की, ये तो एक हादसा, जो हादसा हुआ 2020 का पालघर में 16 अप्रैल को, ये तो अब हुआ है, बट अनादि काल से हमारे जो संत सन्यासी हैं उन्होंने अपनी जान दी है, अपना प्राणों का बलिदान दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूं जी, हमारे शास्त्रों में अगर आप पढ़ें, अपने आप भी पढ़ते हैं, लोग जानते हैं कि महर्षि दधीच, उनसे बड़ा त्याग का उदाहरण किसी का नहीं है। तो उन्होंने भी शुरू किया। अगर आप देखें हमारी हिस्ट्री में तो आदि शंकराचार्य जी ने क्या क्या किया, 1323 में एक विदारण्य स्वामी जी थे दक्षिण में, जब कांपिल्य और ये अपना ककाते राज्य को ये अलाउद्दीन खिलतना मोहम्मद बिन तोहलक ने डिस्ट्रॉय किया था और वहां के कुछ लोगों को उसने उनका धर्म परिवर्तन किया था, वो सन्यासी बाहर आए, उनका पुनः उनका उनका शुद्धिकरण किया, उन्हें फिर से हिंदू बनाया और दोनों राज्यों को एक करके उन्होंने विजयनगर स्थापित किया और उसको इतना सशक्त बनाया, वे सन्यास छोड़कर उसके प्रधानमंत्री बने और उन्होंने पूरे अपना विजयनगर को ऐसा सशक्त बनाया कि 200 वर्ष तक उन पर कोई आक्रमण नहीं कर सका, कोई उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका। तो कहने का मतलब टाइम एंड अगेन, टाइम इन मेमोरियल, ये जो संत समाज है ये आगे आया है। आपको बताऊं 1515 सेंचुरी में ये जो राम जन्मभूमि जो है, जो देखिए आज जहां पे हम मंदिर बनाने जा रहे हैं, उसको जब मीर बाकी ने डिस्ट्रॉय किया था, बाबर का जो जनरल था, वो ऐसे डिस्ट्रॉय नहीं किया था, 1,74,000 नागा साधुओं ने पहले अपने रक्त का बलिदान दिया, वे मरे उसके बाद उन्होंने उस मंदिर को डिस्ट्रॉय किया। तो उनके बलिदान का क्या, ये लोगों को पता चलना चाहिए। 1664 में जो निर्वाणी अखाड़ा है काशी विश्वनाथ का, उन्होंने औरंगजेब की सेना का प्रतिकार किया, उस सेना को हराया और फिर 1669 में औरंगजेब की फौजों ने आकर उस मंदिर का खंडन किया, लेकिन उसके लिए कितने नागा साधु थे, वे उन्होंने अपने प्राणों की बलि दी है। आप टाइम मेमोरियल उठाइए, आप देखिए 16th सेंचुरी में गुरु गोविंद सिंह थे, उन्होंने अपने 4 पुत्र देश पर वारे, आप वहां पे महाराष्ट्र में स्वामी समर्थ थे, तो जो शिवाजी महाराज के अपना गुरु थे, उन्होंने जगह जगह पर हनुमान मंदिर स्थापित किए, अखाड़े खोले, और हिंदू राष्ट्र की जो भावना है कि हिंदू राष्ट्र की कल्पना वे स्वामी समर्थ जी ने कराई थी। तो कहने का, उसके बाद बंदा बैरागी, वो लक्ष्मण दास थे, वो एक स्वामी थे, वे एक तपस्वी थे, बैरागी थे, उन्होंने संसार त्याग दिया था, फिर गुरु गोविंद सिंह जी के आग्रह पे उन्होंने अपना संन्यास त्यागा और फिर वो बैरागी वॉरियर बने और वो लड़े, एंड में किस तरह उन्होंने अपने प्राणों की बलि दी। आप दयानंद सरस्वती जी को उठा लीजिए, आप उधर विवेकानंद जी को उठा लीजिए, रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, पर टाइम मेमोरियल, ये जो संत समाज है, इन्होंने अपने प्राणों की बलि दी है और लोगों का मार्गदर्शन किया है।